वो भी लोग अप्रैल में आ रहे हैं। एंड अगर आपको कैब चाहिए, परमिट्स, होटल्स, बाइक रेंटल, साइट सीइंग के लिए कैब और कोई भी ट्रैवल रिलेटेड सर्विस, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा खुद का होटल भी है, होटल जोंगखाला, जो कि एमजी मार्ग से बस 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में है। इसके अलावा मेरा खुद का ट्रैवल कंपनी भी है, जिसका नाम है ट्रैवलनेस टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरे थ्रू से आप सिक्किम का सारा पैकेज, टूर पैकेजेस, साइट सीइंग, रेंटल्स, बाइक रेंटल्स, परमिट, सारा कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे अब स्क्रीन में मेरा कार्ड आ रहा होगा, इस कार्ड से आप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल में कनेक्ट हो सकते हैं एंड अपना जो है टूर पैकेज बुक करवा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार वेदर, पीछे का व्यू ऑसम। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं आपका दीपू सर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल दीपू व्लॉग्स में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद जो है मतलब व्लॉग कर रहा हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था फेब के महीने में, फेब्रुअरी में, एंड पूरा मार्च में कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो आज है 1 अप्रैल 2024 एंड अभी मैं हूँ ऑलमोस्ट नियर छांगू लेक। तो आज जो है हमारा सडन प्लान बन गया, हमारा नहीं, मेरा और शुभम का, तो सडन प्लान बन गया छांगू लेक की तरफ आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। जो भी लोग अप्रैल में आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं या फिर उससे आगे आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सारा अपडेट रहेगा इस वीडियो में। फर्स्ट से लेकर आज तक जरूर देखिएगा पूरे वीडियो को। पीछे देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा बर्फ है, ये सारा कल का स्नोफॉल है। कल स्नोफॉल हुआ था जो कि था 31 मार्च एंड आज है 1 अप्रैल 2024। तो पीछे पहाड़ों में देख ही पा रहे होंगे बर्फ। अभी हम हैं ऑलमोस्ट छांगू लेक के पार्किंग में कह सकते हैं, एक दो लूप के बाद ऊपर छांगू लेक है, ऊपर वो रोपे का ये दिख रहा होगा आपको छांगू लेक का। एंड यहाँ पर हम रुके हैं एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। बस से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में पूरा बने रहे। बस उठा मतलब उठ के आ गया, ऐसा कुछ प्लान था नहीं। शुभम ने परमिट डाला हुआ था तो परमिट आ गया, तो बोला कि चलो भाई निकलते हैं, वेदर भी अच्छा ही है, सनी वेदर है, तो निकल गए। बस अब यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, ऊपर चलता हूँ छांगू लेक में, रुक के आराम से सारे अपडेट्स देता हूँ आपको। जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी आपके क्यूरीज है, सारा कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अप्रैल के महीने में वेदर कैसा रहेगा, वेदर, परमिट्स, होटल्स, कैब, सीजन कैसा है, रोड कैसा है, एनएसटेन, सारा अपडेट मिलेगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब जब मैं ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का इस ब्लॉग को इन्जॉय करते हैं हम, एंड छांगू लेक का मतलब इस टूर को भी इन्जॉय करते हैं, साथ ही साथ ब्लॉग भी इन्जॉय करते हैं। आप घर बैठे आराम से इस ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए। मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ऊपर पहुँचता हूँ छांगू लेक में, देन अपना वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट करके निकले हैं एंड छांगू लेक में हमने स्टॉप नहीं लिया, थोड़ा सा ऊपर जा रहे व्यू पॉइंट में, जहाँ से छांगू लेक का व्यू जो है बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड मेरे साथ अभी है पीछे एक पारे अजीत दाजू हैं, तो मैक्सिमम टाइम जो है मतलब इनके गाड़ी में अगर रहे तो ये आपके गाइड और ड्राइवर रह सकते हैं। और साथ ही में शुभम साइड में चला रहा है, लेकिन इसको ब्लॉग में मैं ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि ब्लॉग में आना नहीं चाहता है। एंड अभी ऊपर चलते हैं हम, व्यू दिखाता हूँ। बहुत स्नो है, मतलब क्या बोले, स्नो तो देख ही पा रहे हैं, कैमरा फ्लिप करके मैं दिखाऊंगा। अभी पूरा व्हाइट ही व्हाइट है चारों तरफ, देखिए यहाँ पीछे रोड के साइड में एंड याक वगैरह है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर से व्यू दिखाता हूँ, साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम देता हूँ एंड चलते हैं अभी ऊपर। तो ये हम उतर गए हैं और तो ये हम पहुंच गए व्यू पॉइंट में एंड लुक एट दिस, ये है छांगू लेक का व्यू। पीछे का नज़ारा सारा ये पीछे देख पा रहे होंगे, छांगू लेक एंड स्नोफॉल, ये सारा मतलब जितना भी वाइट आपको दिख रहा है, ये कल हुआ था, कल स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे एंड तो मतलब इसलिए सादा सादा मतलब पूरा एकदम फ्रेश स्नोफॉल है ये। अभी जाएंगे ऊपर भी दिखाएंगे आपको, उसके बाद नीचे जब जाएंगे छांगू लेक में तब दिखाएंगे, वरना तो अभी स्नो देख ही पा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा स्नो है। पीछे मेरे टूरिस्ट इन्जॉय कर रहे हैं, पीछे देख पाएंगे अगर आप तो, ये देखिए पीछे मतलब ऊपर चढ़ के हम लोग भी चढ़ेंगे अभी ऊपर। एंड वेदर अच्छा है, धूप निकला हुआ है, तो ऐसे छोटे छोटे विंडोज़ जिसकी मैं बात करता हूँ, मतलब कि डिपेंड करता है, ये सारा जगह जो है वेदर पे डिपेंडेंट है एंड वेदर के अकॉर्डिंग ही मतलब आप यहाँ पे आपका मतलब डिसाइड होता है कि आप यहाँ आ पाएंगे या नहीं, या ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं। तो जो भी लोग मतलब पूछते हैं ना मुझसे, मतलब इस डेट को आ रहे हैं हम, उस डेट को आ रहे हैं,
हम यहाँ ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, यहाँ पे हमें परमिट मिलेगा या नहीं, तो ये उस दिन के पर्टिकुलर वेदर पे डिपेंडेंट होता है। एंड जैसे कि आप समझ लीजिए कल आ रहे हैं एंड आज वेदर बहुत ही अच्छा है, जैसे सनी है, हो सकता है कल मॉर्निंग में सडन स्नोफॉल हो जाए, रात को हो जाए, एंड फिर आप कल का आपका परमिट कैंसिल हो जाए। आपका परमिट था नाथुला तक का, सिर्फ आप छांगू लेक तक आ पाए, सिर्फ आप 15 माइल तक आ पाए, तो ऐसा होता है। और उस केस में जो है हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि वेदर एक ऐसा चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ, वीडियो में कहता हूँ, इंस्टाग्राम मैसेज सारे जगह कहता हूँ, एंड ये सारे चीज़ मतलब वेदर पे डिपेंडेंट है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं आपको भेजने का, एंड हम भी मतलब चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम तो हम भी यही चाहते हैं कि आप आए, क्योंकि आप मतलब अगर आपने पैसा दिया तो उसका फुल मतलब यूटिलाइजेशन हो एंड आप आराम से इंजॉय कर पाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहते एंड हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसके अलावा अभी मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग अप्रैल में आ रहे हैं एंड अगर आपको कैब चाहिए, परमिट्स, होटल्स, बाइक रेंटल, साइट सीइंग के लिए कैब और कोई भी ट्रैवल रिलेटेड सर्विस, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा खुद का होटल भी है, होटल जोंगखाला, जो कि एमजी मार्ग से बस 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में है। इसके अलावा मेरा खुद का ट्रैवल कंपनी भी है जिसका नाम है ट्रैवलनेस टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरे थ्रू से आप सिक्किम का सारा पैकेज, टूर पैकेजेस, साइट सीइंग, रेंटल्स, बाइक रेंटल्स, परमिट, सारा कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे अब स्क्रीन में मेरा कार्ड आ रहा होगा, इस कार्ड से आप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल में कनेक्ट हो सकते हैं एंड अपना जो है टूर पैकेज बुक करवा सकते हैं। तो अभी मैं वापस जब यहाँ से जाऊँगा तो मैं आपको होटल का भी अपना कुछ शॉर्ट्स दिखाऊँगा। एंड मेरे होटल के अलावा भी बहुत लोगों को लग्जरी पैकेज चाहिए होता है, 3-star 4-star होटल्स में लग्जरी कैब्स, पिकअप ड्रॉप फ्रॉम NJP एयरपोर्ट, सारा कुछ अवेलेबल है। एंड ये तो हो गया सर्विसेज के बाद, अब बात कर लेते हैं हम जो भी लोग अप्रैल के टाइम में यहाँ पे या अपकमिंग मई के महीने में, जून के महीने में आना चाह रहे या प्लान कर रहे, तो उनके लिए कैसा रहेगा सिक्किम प्लान करना। तो मैं बताता हूँ, अप्रैल मई जो है बेस्ट टाइम है सिक्किम विजिट करने का, आपको स्नोफॉल भी दिखी जाएगा। तो आज 1st of April है एंड पीछे देख पा रहे होंगे आप कितना अच्छा लेवल का जो स्नो है, ये सारा एकदम फ्रेश स्नोफॉल है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये एकदम वाइट जो है ना, मतलब जो मतलब अनटच्ड बोलते हैं, ये कल ही हुआ है ये स्नोफॉल। तो अभी देखिए अप्रैल मार्च मतलब एंड तो हो गया कह सकते, तो अभी भी मतलब स्नोफॉल हो रहा है। एंड तो जो भी लोग आ रहे हैं अप्रैल में, जो भी लोग आ रहे हैं 1st week, 2nd week, 3rd week, ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल तो मतलब मिल ही जाएगा आपको बर्फ, जहाँ तक मैं मतलब अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ बर्फ का ये देख के। अगर स्नोफॉल नहीं भी हुआ तो जो स्नो ऑलरेडी गिरा हुआ है यहाँ पे आगे, अभी देखेंगे मतलब आगे तो मतलब पूरा वाइट ही वाइट है, तो मतलब वहाँ तक तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। तो स्नो तो मैंने दिखा दिया, इसलिए मतलब हमने भी प्लान किया था कि जाके ही ब्लॉग बनाते, इसलिए मैं फेब के बाद मतलब कहीं निकला नहीं, तो मतलब इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे पहुँच के स्पॉट में पहुँच के ब्लॉग बनाने का अलग ही मजा है। एंड होटल में ब्लॉग तो मैं चाहूँ तो गैंगटॉक में रह के हर दिन ही ब्लॉग बना सकता हूँ, क्योंकि क्या है हम जिस जगह पे हम रहते हैं हर जगह कंटेंट है, मतलब कहीं बाहर ऐसे फ़ोन लेके निकल जाऊँगा तो कंटेंट बन जाएगा, लेकिन नहीं करता हूँ ऐसा मैं। एंड मैं ज़्यादातर मैं ट्राई करता हूँ कि स्पॉट में पहुँच के ब्लॉग बनाने का, कि वो फील, ये फील जो है ना जो मैं अभी आपको बता पा रहा हूँ, ये चीज़ दिखा के तो ही मतलब पूरा ये बनता है, मतलब आपको ही फील आ रहा होगा ना अभी, देखिए छांगू में हूँ। यही सेम चीज़ अगर मैं अपने ऑफिस में बैठ के बना देता, ट्रैवल ऑफिस में या गैंगटॉक में बैठ के बना देता, तो वो मज़ा नहीं आता है। एंड जब भी आप ट्रैवल पैकेज बुक करें तो ऑलवेज बुक योर ट्रैवल पैकेज फ्रॉम दी ट्रैवल कंपनी और फ्रॉम योर एजेंट ऑपरेटर, जो कि सिक्किम में बेस्ट है ऑलरेडी, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं यू विल गेट जेन्युइन सर्विस। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से बुक कीजिए, मेरे जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टूर ऑपरेटर्स हैं, एजेंट्स हैं, जो कि मतलब एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्किम में। एंड आप मुझे भी कंसिडर कर सकते हैं, आपका मन है, लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे हैं। एंड आपको जहाँ से अच्छा रेट मिले, अच्छा कोटेशन मिले एंड क्या बोलते हैं अच्छे सर्विसेज का वादा मिले, वहाँ पे आप कीजिए, वो आपके ऊपर है डिपेंडेंट टोटली। तो वहाँ पे करके आप अपना ट्रैवल पैकेज बुक कीजिए। एंड जब भी आप बुक करते हैं, मतलब बाहर से भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर के एजेंसी ऑपरेटर ख़राब है, रजिस्टर्ड कंपनी से कीजिए,
क्या बोलते हैं क्रॉस चेक कीजिए थोड़ा सा, मतलब क्योंकि देखिए ज़्यादातर जब सीज़न का टाइम होता है ना तो मैं जानता हूँ फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, एंड बहुत लोग उसके लिए टेंशन में रहते हैं कि हम पेमेंट करें हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो ये हो गया, एंड वेदर देखिए जो भी आ रहे हैं। अब आ जाते हैं वेदर की बात कर लेते हैं। तो अभी पीछे देख पा रहे होंगे मतलब पूरा वाइटी वाइट, एंड मतलब ऐसे खुद सेल्फी लेते हुए ब्लॉग बनाने में हाथ दर्द हो गया, तो मैंने शुभम को कैमरा पकड़ा दिया है। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ वेदर के रिगार्डिंग। तो जो भी लोग अप्रैल के महीने में आ रहे हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अच्छा वेदर मिलेगा, लेकिन अभी देखिए अप्रैल मई के टाइम में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश हो जाता है, जहाँ पे हायर रीजेस में स्नोफॉल हो जाता है। सडन स्नोफॉल के कारण हो सकता है कि रास्ते भी ब्लॉक हो जाए, क्योंकि इस बार तो मतलब इतना स्नोफॉल हुआ है। इस बार अर्ली स्नोफॉल स्टार्ट भी हुआ था एंड लेट, मतलब बहुत, मतलब मार्च तक यूजली स्नोफॉल नहीं होता है, लास्ट फेब में होता है, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि बहुत ही स्नोफॉल होगा। एंड आगे अभी पता नहीं अप्रैल के मंथ में भी हो सकता है, तो स्नोफॉल जो भी लोग अप्रैल मई में आ रहे हैं, मई तक भी चांसेस है कि आपको बर्फ देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग, मुझे पता है कि बर्फ, मतलब बर्फ का इंक्वायरी सबसे ज़्यादा रहता है कि हम इस महीने में आ रहे हैं अप्रैल मई में हमें बर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो देख के आपको मेरे ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो से आपको पता लग रहा होगा कि अगर आप अप्रैल में प्लान कर रहे हैं तो आपको बर्फ देखने को मिलेगा या नहीं। कहीं पे मिले ना मिले, इस वीडियो से इतना आपको पता लग ही चुका होगा कि छांगगुले एक नाथुलाबाद बाबा मंदिर में आपको श्योरली बर्फ मिलने वाला है अप्रैल के महीने में। एंड ये पीछे है मेरे छांगगुले, पीछे आप देख सकते हैं। एंड इस तरफ देखिए, इस तरफ अभी वेदर थोड़ा थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है, तो जब भी यहाँ पे आप आते हैं ट्राई कीजिए जल्दी घूम के जल्दी निकलने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस स्नोफॉल हो जाते हैं, तो मतलब गाड़ी वगैरह स्टक हो जाते हैं, ज़्यादातर नहीं होता है कभी कभी। एंड तो अभी हम भी यहाँ से नीचे जाएंगे, एक्चुअली हम बाबा मंदिर के साइड में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी हमारा जा रहा है सर्विसिंग में। तो मतलब हम तो ऐसे ही, हमारा मूड बन गया 7 बजे तक, मैं तो एक्चुअली सोया था लिटरली 7 बजे, शुभम ने बोला परमिट आ चुका है चलते हैं, तो मतलब निकल रहे हैं। एंड फिर 7 बजे हम निकल गए, मतलब ऐसे ही मुंह धोया नहीं, ये देख पा रहे होंगे बाल बाल, ऐसे ही ये जंपर लगाया निकल गया मुंह धो के ब्रश करके, ब्रेकफास्ट भी अभी नीचे ही किया हम लोग ने। तो यही है, अभी हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे छांगू लेक में, वहाँ पे हो सकते हैं रोप वे राइड ले या फिर याक राइड ले। थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको छांगू लेक के आसपास का सीनरीज, वहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एंड फिर चल जाएंगे हम वापस गैंगटॉक की तरफ। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं एंड फिर मैं वापस आता हूँ कैमरे में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं छांगू लेक में, एंड पीछे छांगू लेक है। एंड इस बार मैंने जो है ना, देखिए गम्बूट लगा रखे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं टूरिस्ट के साथ आया था पूरा एकदम जूता वूता भीग चुका था मेरा। तो अभी चलते हैं पहले रोपवे में, रोपवे चेक करके आते हैं, वरना ऊपर से उधर ही निकल जाएंगे व्यू पॉइंट की तरफ। तो मेरे पीछे यह है रोपवे काउंटर, तो यहाँ पे आप आके रोपवे का टिकट ले सकते हैं, जो कि यह है पर पर्सन इज 360 रुपीज़, फॉर टू पर्सन 760 दे के, सॉरी पर पर्सन प्राइस 360, हाँ 360 है पर पर्सन, 720 हुआ टोटल। अभी जाएंगे ये टिकट देंगे, रोपवे राइड करते हैं, रोपवे से व्यू दिखाता हूँ, फॉग आ गया व्यू और भी अच्छा दिखता। सो रोपवे जो है स्टार्ट हो चुका है, एंड थोड़ा सा डर तो इस रोपवे में आपको भी लगेगा, क्योंकि मुझको लगता है क्योंकि काफ़ी स्टीप में जाता है ये, एंड सीधा सीधे पहुँच जाते हैं 14,000 फीट के एल्टीट्यूड में। यहाँ पे थोड़ा आवाज होगा, तो देखिए अब जो है रियल नज़ारा यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड तो मतलब पीछे अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ से 12,600 फीट से विल रीच एट 14,000 फीट, क्या वो नज़ारे तो मतलब देखने लायक के। यहाँ पीछे से पीछे का व्यू जो है अच्छा होता जाएगा, एंड ये नीचे छांगू लेक पूरा बर्फ देख पा रहे पूरा, यार मतलब क्या बोलूँ एकदम मस्त नज़ारे। एंड जब भी आप आए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रोपवे राइड से आप ले ही ले जरूर, और रोपवे राइड ऐसा है कि मतलब मजा आएगा आपको रोपवे राइड में। तो अभी थोड़ा सा कैमरा फ्लिप करता हूँ और फ्लिप करके भी दिखाता हूँ। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं 14,000 फीट में, तो यहाँ पे जो है ये रोपवे स्टॉप होता है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन एंजॉय द सीनरी।
क्या ही नजारा है भाई, धूप लग के तो मतलब ये सनलाइट में जो ये बर्ड चमकता है ना यार, देखने लायक लगता है पूरा। जितने बार मतलब इन सारे जगहों में विजिट करता हूँ मैं खुद भी, आप तो एज अ टूरिस्ट विजिट करते हैं, लेकिन मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अपना जन्म हुआ है, यहीं पे सारा कुछ स्कूल कॉलेज लाइफ यहीं पे बीता है, लेकिन मैं खुद जितने बार आता हूँ उतने बार मज़ा आ जाता है यहाँ पे। जब भी आए थोड़ा सा मतलब सेफ्टी ले, बहुत सारी जगह बहुत ही स्लिपरी होते हैं, देख ही पा रहे होंगे मतलब थोड़ा थोड़ा ये क्या बोलते हैं गहरे गहरे जगह है, तो उसमें अगर स्लिप हो गए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेशली बच्चों को कभी ना छोड़े यहाँ पे मतलब अकेले। बहुत ही मज़ेदार वेदर, पीछे का व्यू ऑसम। ये अनटच्ड बर्फ हर समय मतलब जो ये बर्फ किसी ने छुआ नहीं है, क्योंकि ये बर्फ जो है कल ही गिरा है, एंड ये बर्फ एकदम वाइट वाइट कलर का रहता है। ग्लव्स लाया नहीं है इस बार जो है ना, मतलब बोल रहा हूँ ना 7 बजे उठा, मुंह धोया, ब्रश किया, निकल गया बस, इसलिए मैंने तो जैकेट भी नहीं लाया है, ग्लव्स नहीं लाया था, टोपी नहीं लाया है। ये सनग्लास हमारे ड्राइवर दाजू का है, सनग्लास उनका यूज़ करो, सोचिए सनग्लास तक नहीं लाया मैंने, इतना हम मतलब शॉर्ट नोटिस में निकला हूँ मैं। तो ये है एटना, वी आर 14,000 feet, बहुत ही सांस मतलब थोड़ा सा भी चलने से इतने हाइट में ना, जब भी आप भी आते हैं बहुत ही धीरे धीरे, स्पेशली बच्चों या एल्डर पर्सन अगर आ रहे हैं, बुजुर्ग आपके साथ है, तो धीरे 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 क्लाइम कीजिएगा, ज़्यादा मूवमेंट ना कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि इन सब जगहों में तबीयत ख़राब होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लेवल्स कम है, हायर एल्टीट्यूड में है, ये बात समझना होगा। आप दिखेंगे नॉर्मल, बाहर से सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपका अंदर ही अंदर तबीयत जो है ख़राब हो रहा होगा, तो वो आपको पता नहीं लगेगा जब पूरा एक ही बार में तबीयत ख़राब होता है। यहाँ पे देखिए फॉग आ रहा है पूरा, पीछे धूप भी है फॉग भी आ रहा है। तो ये है यहाँ का नज़ारा थांगू लेक रोपवे का। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी लोग सिक्किम प्लान कर रहे हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में या फिर उससे आगे, एंड जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपका भाई का खुद का ट्रैवल कंपनी है जिसका नाम है ट्रैवल नेस्ट टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आप मेरे थ्रू से सिक्किम टूर पैकेजेस, परमिट्स, बाइक रेंटल्स, कैब्स फॉर साइट सीइंग, होटल्स, सारी कुछ करवाता हूँ मैं, सारी कुछ करवा सकते हैं आप मुझसे। आप मुझसे कनेक्ट करने के लिए अब स्क्रीन में जो है मेरा ट्रैवल्स का कार्ड आ रहा होगा, इस कार्ड से आप डिटेल्स लेके या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप का नंबर जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ से आप कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं, अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। एंड जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जिन लोग जो लोग बाइक में आ रहे हैं, बाइक परमिट्स, जो लोगों को सिर्फ कैब चाहिए, सिर्फ होटल चाहिए या पूरा पैकेज चाहिए, NGP पिकअप ड्रॉप, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप, सारा कुछ अवेलेबल है। लग्जरी कैब्स, इनोवा, ज़ाइलो, जो आप बोलेंगे वो अवेलेबल करवा दूंगा। एंड आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं अपने सिक्किम टूर मतलब सिक्किम ट्रिप प्लानर के हिसाब से। तो रोपवे राइड हो चुका है अभी हमारा कंप्लीट, एंड देखिए नीचे आते आते फिर से धूप निकल चुका है, तो ऐसा यही है मतलब हर मिनट मिनट में चेंज होता है, पल पल में चेंज होता है वेदर यहाँ का। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो है ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया है, जो भी लोग अप्रैल मई जून के मंथ में आने वाले हैं, आगे प्लान कर रहे हैं सिक्किम का टूर, एंड जो भी लोग स्पेशली झांगू लेक, बाबा मंदिर, नाथुला पास जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो देख के आपको ओवरऑल आइडिया आ चुका होगा। फिर से मैं बता दूं आपको कि जो भी लोग सिक्किम प्लान कर रहे हैं, एंड अगर आपको सिक्किम में सिक्किम टूर पैकेजेस, परमिट, साइट सीइंग के लिए कैब्स, बाइक रेंटल्स या और भी कोई दूसरा ट्रैवल रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो उसके लिए आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा खुद का ट्रैवल कंपनी है ट्रैवल नेस्ट टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड मेरे थ्रू से आप सारा अपना सिक्किम का टूर जो है प्लान करवा सकते हैं, और सारे कुछ सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो अपने आप ले सकते हैं। मेरा खुद का होटल भी है, होटल जोंग खाला, जो कि MG मार्ग से बस 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड अभी आगे सीज़न आ रहा है, पीक सीज़न कुछ दिनों में स्टार्ट होगा, तो ऑलवेज जब भी आप बुक करते हैं अपना पैकेज, तो ट्राई कीजिएगा एक सिक्किम बेस्ड ऑपरेटर से अपना टूर पैकेज बुक करवाने का, जो सिक्किम में बेस्ड हैं उनसे बुक करवाने का, क्योंकि अगर आप सिक्किम से अपना सिक्किम बेस्ड ऑपरेटर से जो है अपना टूर बुक करवा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ही बुक करवाइए, फर्स्ट में भी मैंने ये बात बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे से ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे से ही बुक करना है आपको, जहाँ से अच्छा रेट मिले, अच्छा सर्विस का वादा मिले, अच्छे सर्विसेज मिले, आप वहाँ से अपना टूर बुक कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए अपने इस सिक्किम के प्लान को, एंड उसी के साथ आप मुझे भी कंसिडर कीजिए। साथ ही साथ ट्राई करूँगा मैं आपको बेस्ट
पॉसिबल सर्विस देने का, जो भी जितना भी बेस्ट हो सके मेरे से। एंड मेरा सारा ट्रैवल का एंड मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर अभी स्क्रीन में आ रहा होगा, तो यहाँ से आप डिटेल्स लेके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारा लाइव अपडेट छोड़ता हूँ, जितना भी लाइव अपडेट है, कहाँ का स्नोफॉल हुआ, कब स्नोफॉल क्लोज़र हो जाता है, तो उसके रिलेटेड लाइव अपडेट आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। यूट्यूब में बहुत लेट लेट वीडियो आता है, क्योंकि क्या होता है होटल में ज़्यादा टाइम में बिज़ी रहता हूँ, तो वीडियो बनाने का आजकल उतना मौका नहीं मिलता है। बहुत ही देख रहे होंगे फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुका है मेरा वीडियो बनाने का, क्योंकि एक वीडियो डालने के बाद इंक्वायरीज आते हैं। कितने लोगों का इंक्वायरी अभी भी मैंने रिप्लाई नहीं किया है, दिल से माफ़ी मांगता हूँ उनसे, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेजेज आते हैं ना, क्या बोलूँ। तो बहुत बहुत सॉरी जिनका भी रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। एंड जो भी आगे प्लान कर रहे हैं, तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, डू कंसीडर ट्रैवल नेस्ट एज अ टूर ऑपरेटर फॉर सिक्किम। सो आशा करते हैं छोटे से वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया होगा। तो इसी बात को कह के मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे ब्लॉग में सिक्किम में। एंड अगर आते हैं तो मिलिए ज़रूर सिक्किम में, ऑफिस में आइए, डायरेक्ट वॉक इन कीजिए, टूर पैकेजेस ले रहे हैं ना ले रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइए बातचीत करते हैं, बैठते चाय वाय पीते हैं। वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले दे दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब जब ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन दिस इज दीपू साह साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।